हॉब्स कहते हैं कि आपको अपने कर्मों में विश्वास करना ही होगा, आगे चलकर आपके जीवन में ये बड़ा परिवर्तन लाएगा। स्टीव जॉब्स को इस दुनिया में कौन नहीं जानता, उसको एप्पल की सबसे बड़ी कंपनी की स्थापना के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। आज के समय में जिस कंपनी में 4000 से अधिक कर्मचारी और $2 बिलियन की कंपनी है, उसकी शुरुआत एक गैरेज में दो व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई थी। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टीव जॉब्स को उस कंपनी से कुछ समय बाद निकाल दिया गया था और उन्होंने वहाँ से अपने करियर की शुरुआत की थी। जॉब्स अपनी क्षमताओं को महसूस करते हुए इसे सबसे बड़ी कंपनी की स्थापना करने की दिशा में आगे बढ़े, जिस एप्पल के नाम से जाना जाता है। इनके जीवन में कई सारी मुश्किलें आई और जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन ये इंसान किसी भी हालत में अपने रास्ते से नहीं भटके, अपनी विजन को लेकर एकदम क्लियर थे और हर परिस्थिति में अपने कदम बढ़ाते रहे। इनकी कोशिश के बावजूद वो अपने ये समय पर दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी की महंगी कंपनी और स्टीव जॉब्स के 6 महीने के बाद ही कॉलेज को छोड़ देना पड़ा, सेल्फ स्टडी करने लग गए। इससे ये साबित हो जाता है कि कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्री हमारे जीवन में कुछ काम नहीं रहती। अगर सफलता का जुनून होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बिना डिग्री के बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। स्टीव जॉब्स इतने गरीब थे, वो सप्ताह में एक बार भर पेट खाना खाने के लिए कृष्ण टेम्पल जाया करते थे, जिसको हम लोग इस्कॉन के नाम से जानते हैं, और रोज खाली बोतले को बेचा करके खाना खाता था। वो कहते हैं कि अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप नहीं किया होता तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते थे, यानी ये दुनिया का सबसे अच्छा कंप्यूटर नहीं बना सकते। जॉब्स कहते हैं कि आपको अपने कर्मों में विश्वास करना ही होगा, जो आगे चल के आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा, और कहते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन में अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरे के रास्ते पर चलकर इतिहास नहीं बना सकते और ना ही कुछ नया कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब आप दुनिया से अलग करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए